आज के दिन भी लगभग 57% हमारी खेती से संबंधित है और आगामी दिनों में एचटेट का पेपर भी आ रहा है, तो आज शाम को मुख्यमंत्री जी और मैं बैठ कर उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारी दोनों की मिलकर प्राथमिकता थी जिस लड़ाई को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, 300-300 किलोमीटर बच्चों को ना ट्रैवल करना पड़े, उसके लिए जॉइंट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से कदम उठाया जाए। जो एग्जामिनेशन सेंटर है जो भी अलॉटमेंट नहीं है, तो उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आग्रह करते जो 300 किलोमीटर की प्रथा है उसको समाप्त करने का काम है। हमारा प्रयास रहेगा हरियाणा प्रदेश के आम जन तक जितनी भी सुविधाएं नीति के साथ उनको हम पहुँचाने का काम करें और हरियाणा को नए मुख्यमंत्री दुष्यंत जी प्रोग्राम के तहत कमेटी का गठन किया जाएगा, उस रिपोर्ट के अनुसार आगे काम किया जाएगा। आज आप दोनों चर्चा करेंगे, कृपया करें कमेटी चल रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर दोनों पार्टी के घोषणा पत्र जो कॉमन एजेंडा जो इम्पोर्टेंट एजेंडा या जो यूनिक एजेंडा उनको प्राथमिक तौर पर कैसे जॉइंटली प्रदेश की सरकार प्रदेश के हित में लाने का काम करें उसके ऊपर एक कमेटी गठित करी जाएगी टाइम बाउंड तरीके से, जो अपने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करा पाए और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए दोनों पार्टियों की जो घोषणाएँ थी जो वादे थे उनको। दुष्यंत सर सवाल करते हैं। दुष्यंत जी, दुष्यंत जी, दुष्यंत चौटाला नहीं है जिनके फादर जेल में, मतलब सीधे राउत जी को दुष्यंत चौटाला तो पता है कौन, मेरे पिताजी जेल में आज से नहीं पिछले 6 साल, संजय राउत जी ने कभी उनके हाल चाल के बारे में नहीं पूछा और ना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपनी सजा काटने और पूरा करने से पहले आए। एक पिता के लिए खुशी की बात होती है हार का दुख मिला और एक खुशी का फर्क भी। मैं संजय जी को कहूँ कि इस तरह के बयान की वो जो बात करते हैं उससे कोई उनका तर्क बढ़ता नहीं। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से चले, हमारी पार्टी का गठन हुए तो 11 महीने हुए और 11 महीने के सफर के अंदर हमें बारी बारी किसी को धोखा देकर किसी से लड़ाई लड़कर या इस प्रकार से आगे पीछे हटकर दगा धमकाकर आगे बढ़ने की मंशा नहीं। ईमानदार राजनीति को आगे लेकर चल रहे हैं और ईमानदार राजनीति के तहत जैसे 11 महीने में हमने काम किया है आगामी 5 साल भी प्रदेश के वहाँ सीएम की लड़ाई चल रही है, सीएम पोस्ट के लिए तो मैं महाराष्ट्र का सब विधायक ना हमारी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर। दुष्यंत जी, जो भी महाराष्ट्र का निर्णय हो आपके हरियाणा में मंत्रालय को लेकर कोई बात आता पार्टी का अंदरूनी निर्णय होगा, महाराष्ट्र में क्या हरियाणा में मंत्रालय प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश के दोनों दल के कैबिनेट मिनिस्टर के लिए आपकी पार्टी से कुछ नाम चल रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कैबिनेट विस्तार की चर्चा पहले सेशन के बाद होगी, कौन जाएगा किस पे जाएगा तो संगठन का निर्णय है, मेरे ख्याल से आप जैसे साथियों का निर्णय। नहीं 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 नहीं, आप हम पे छोड़ दीजिए, दोनों पार्टी जितने भी कैबिनेट में साथी आएंगे जितने MOS बने मिलकर उस पर निर्णय करेगी और ओथ होगी, उससे पहले आपको नाम भी दे देंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे शपथ ग्रहण में। आप तो आपका स्वागत किया है, अतीत की बात करें तो आप लोग दिल्ली में चुनाव भी लड़े हो, विधायक भी रहे, नजर करते हैं बात कर भरत सिंह, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी अब आपकी कुछ रणनीति इस तरह के तो जेजेपी की दिल्ली का बहुत जरूरी है, दिल्ली प्रदेश इकाई का हरियाणा प्रदेश इकाई के साथ साथ किया गया। ओम प्रकाश शरावत जी हमारे अध्यक्ष के साथ पूरी हाई यूनिट खड़ी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली आगमन कर स्वागत किया। आगामी चुनाव में क्या कदम रहेंगे, कैसे चुनाव को लड़ा जाए, इसके ऊपर पार्टी संगठन दिल्ली प्रदेश की बैठक हुई, क्योंकि मैं दिल्ली का प्रभारी भी हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम बैठ कर दुष्यंत जी। एक आपने आज ट्वीट भी किया था अपने राजपाल डेविड के ऊपर, आपको राजपाल के साथ साथ एक साथी हो, अरे वो नानी वाला धर्मेंद्र आया हुआ है, धर्मेंद्र आया क्या नाम साथी है, जैसे राजपाल साथी आया हुआ है एक असल से है प्रकाश जिसने 14 साल थोड़ा नीचे कर लो यार, मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों की तपस्या थी जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, ये वो साथी थे जिनने पहले साहब आजाद थोड़ा सा
ये धर्मेंद्र है, इसने त्याग लिया था, जब तक राज नहीं आएगा तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। तो मैं मानता हूँ हमारे से ज्यादा इन लोगों का त्याग है जिनने प्रदेश के अंदर अपने आप में संगठन को निर्णय दिया। और मैं तो चाहूंगा आज आप लोग इसके साथ जाए, जब ये अपने 14 दुष्यंत जी पहला फैसला आप क्या लेना चाहते हैं? जिस तरीके से आपके पिताजी भी मिलने गए थे, तो पहले दिन से परिवार पार्टियां फोन पीछे कर लो यार, एक करने ना करने की बात दूसरी थोड़े दुष्यंत जी, सरकार में पहला फैसला आप क्या लेना चाहते हैं? सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या? हमारी प्राथमिकता यही रही कि हरियाणा प्रदेश रोजगार के अंदर 75% हिस्सेदारी युवाओं की। मैं एक युवा हूँ, 31 साल का, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हित की लड़ाई। सब किसानों के लिए क्या होगा? झज्जर के मेडिकल कॉलेज के लिए, छात्रों के लिए भी कुछ करेंगे? ऐसा मैं भी नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है, स्टाफ सिलेक्शन कैबिनेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते आगे कैसे पोस्ट ऑफ एक्शन 5 साल के बाद। दुष्यंत जी, झज्जर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बैठे हुए काफी दिनों से, आप उनसे मिले भी क्या? उनकी मांग आया था, बड़ा टेक्निकल सा मामला है, बिल्कुल आगामी दिनों में जैसे जैसे मिनिस्ट्री की आई है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतराल आता है, और उसके साथ साथ क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उसमें है, और दोनों के अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर चर्चा की आगे का कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। आज तक की डिग्रियाँ क्या, मुझे शिक्षा नहीं दी जा रही तो उसके ऊपर मैं तो जाके आया था, वो बहने रोने लगी थी, एक युवा साथी है वो तो एडमिटेड था, मेरा मैसेज करता है बिल्कुल उनकी बात को प्रॉपर तरीके से रखेंगे, और जो लोग उनको धोखा देकर बैठे उन लोगों ने उनसे सिर्फ पैसे लूटने का काम किया, उनके खिलाफ अपनी सरकार की और से जो भी उचित डिसीजन एक्शन लिया।